उधर कैथल के जखौली गांव में स्कूली बच्चों के बीमार होने का सिलसिला लगातार जारी है। कल जहां खुजली के चलते 12 बच्चे बीमार हो गए थे, वहीं आज 50 के करीब बच्चे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके चलते गांव वालों में दहशत का माहौल बना हुआ है। कैथल के जखौली गाँव के स्कूली बच्चों के बीमार पड़ने का सिलसिला थम नहीं रहा। गाँव स्थित प्राइमरी स्कूल में जहाँ कल 12 बच्चे खुजली के चलते नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाए गए थे, वहीं आज 4 छात्र दोबारा बीमार होने से स्कूल से लेकर गांव तक में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में स्कूली बच्चे छात्रा नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाए गए, जहां उनका उपचार चल रहा है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनके इलाज में जुटी हुई है। बच्चों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। और क्या किया था बच्चों ने, जैसे दिक्कत हुई? कल जब स्कूल में आए सर, प्रार्थना हुई, प्रार्थना के बाद ही बच्चों ने बोला कि हमें खारिश हो रही है। उन्होंने बताया कि हमने कोई पौधा फेस पे लगाया है कि हम अपने फेस को सुंदर बनाना चाहते हैं, गोरा बनने के लिए, और फिर उनको PHC में लेके गए। तो जैसा हमने देखा है यहाँ पे सफाई व्यवस्था का जो है बहुत बुरा हाल है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, हमारे पास कोई सफाई कर्मी नहीं है। तो आपने इस बारे में प्रशासन को लिखा है, किसी अधिकारी को लिखा है? सर, प्राइमरी स्कूल में है ही नहीं सफाई कर्मचारी, नहीं है जी। 4th क्लास प्राइमरी विंग में नहीं है। हमने जैसे कलेक्शन करके ही एक सफाई वाली रख रखी है, जो झाड़ू वगैरह लगा के जाती है। गौरतलब है कि कल गोरा होने के चक्कर में स्कूल के बच्चों ने एक पौधे की पत्तियां चेहरे पर लगा ली थी, और एक दूसरे के देखा देखी 12 छात्रों ने भी अपने चेहरे पर इसी पौधे की पत्तियां लगाई, और थोड़ी ही देर में सभी को खुजली होने लगी। जब हमारी टीम ने स्कूल का दौरा किया तो स्कूल के आसपास गंदगी देखने को मिली, और प्राथमिक स्कूल के शौचालय के अंदर गंदगी का ढेर लगा हुआ है। बातचीत करने पर स्कूल के अध्यापक ने बताया कि स्कूल में कोई भी सफाई कर्मी नहीं है। इस बारे में ये कहना है जी, कुछ गांव के लोग आते हैं और उनको बार बार हमने वो किया, भाई आप इधर ना आओ, अगर आपने शौचालय जाना तो स्कूल में करवाएंगे आपको, या रेस्ट हाउस में करवाएंगे, आप यहाँ ना आओ, तो अनाप शनाप बोलते रहते हैं, बारिश वेरी आते हैं। कुछ लोग ऐसा जी शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है कई बार, लेकिन पैसे लोग ले चुके हैं और शौचालय नहीं बनवाए। सरपंच से जिला शिक्षा अधिकारी ने इस बात को स्वीकार किया और जल्द दुरुस्त करने का भरोसा दिया, और जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रबंधन को दवाई का स्प्रे करने का निर्देश दिया। यहाँ पर विजिट करने पे आज मैंने पाया कि बाहर जो एनवायरनमेंट है स्कूल के चारों तरफ है, यहाँ पर खाली जगह पड़ी है जिसमें लोग शौच के लिए प्रयोग कर रहे हैं, और वहाँ से जो एनवायरनमेंट दूषित होने के कारण है, मुझे लगता है कि वहाँ से मक्खियाँ या और चीज़ें आने से बच्चों में एलर्जी हुई है, जिसका इलाज के लिए हमने बच्चों को कैथल के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दाखिल करवा रखा है, और वो बच्चे ठीक हैं। अब कितने बच्चे हैं जी? प्राइमरी स्कूल के अंदर कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं है, जो पार्ट टाइम था पहले वो रेगुलर होने के कारण जब से खाली पड़ी है, और पार्ट टाइम लगाने की अनुमति सरकार से लेनी होती है और वो अभी मिली नहीं है। जैसे गवर्नमेंट से अनुमति मिल जाएगी, यहाँ पार्ट टाइम की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हमने शौचालय यहाँ पर, हमारे 4 स्कूल हैं, बाकी जो 3 स्कूल हैं उनमें व्यवस्था मुझे ठीक लगी। इस स्कूल में थोड़ी सी सफाई और टॉयलेट की जो बात आप बता रहे हैं उसमें कमी नज़र आई है, और यहाँ जो मुख्य शिक्षिका है उसको तुरंत आदेश कर दिए गए कि आप उसकी सफाई और सारा काम करवाएं। वैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई टेम्परेरी कर्मचारी लगाया हुआ है, वो करता है, आज किसी कारण से वहाँ सफाई कम है, इसके बारे में उनको तुरंत दिशा निर्देश दिए हैं कि ये कार्रवाई की जाए। आप जिला आज स्कूल प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग को लिखा जाएगा कि स्कूल के अंदर स्प्रे करवाया जाए, किसी भी कोई दिक्कत है जो कीट वगैरह है, और दूसरा स्कूल में सफाई कर्मचारी के लिए निर्देश दिए गए हैं कि आप उसका टेम्परेरी प्रबंध जब तक कर ले। सरपंचों को भी मैंने आग्रह किया है कि वो कोई ना कोई सफाई कर्मचारी का प्रबंध करवा दें, ताकि इस तरह की आगे दिक्कत ना आए। सरकार चाहे लाख दावे करे, लेकिन आज भी गांव में जागरूकता का अभाव है, और गांव के लोग कैमरे से दूर झाड़ फूक करने की बात करते भी नजर आए, हालांकि कैमरे के सामने किसी ने भी बोलने से इनकार कर दिया। कैथल से अनिल चौधरी की रिपोर्ट।